हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHW वर्सेस ASW, ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स T20 बिग बैश लीग का ये मैच नंबर 20 है। ये मैच दोपहर में 1:45 पे स्टार्ट होगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। फुल स्टैट्स इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी टीम यहां पर विन करेगी। डायरेक्टली जो है हम मैच के बारे में बात करते हैं। देखो, ये जो मैच है ना, ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर दोनों में से अगर मैं अच्छी और बेस्ट टीम की बात करूं तो ब्रिस्बेन हीट की टीम जो है थोड़ी सी फेवरेट रहेगी। यहां पर एडिलेड की भी टीम अच्छी है, लेकिन इनकी टीम के रिसेंट फॉर्म उतने अच्छे नहीं है। ये WBBL का मैच नंबर 20 है, द गाबा ब्रिस्बेन के वेन्यू पे। ये मैच दोपहर में 1:45 पे स्टार्ट होगा। अब देखो, गाबा की जो पिच रिपोर्ट है ना, ये इस वेन्यू पर जो है पहला मैच हो रहा है। बहुत दिनों बाद जो है यहां पर मैच हो रहा है, ऑलमोस्ट 5 साल बाद यहां पर मैच हो रहा है। तो फर्स्ट मैच है गाबा पे यहां पर 5 साल बाद। यहां की पिच जो है जनरली बाउंस के लिए अच्छी जानी जाती है, बैटिंग के लिए थोड़ा सा जो है यहां पर हेल्पफुल जो है बताया जा रहा है कि अच्छी देखने के लिए मिल सकती है। बॉलर्स को ही एडवांटेज जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। हम अभी आपको स्टैट्स जो है दिखा रहे हैं, उससे पहले आप एक काम कर दो मेरे भाई, वीडियो को लाइक जरूर से कर दो यार, काफी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो वीडियो को लाइक आप जरूर से कर दो। बात करते हैं T20 डोमेस्टिक स्टैट्स की। इस वेन्यू पे अगर आप देखेंगे, टोटल जो है 9 मैचेस हुए हैं। 2 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 6 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। एवरेज स्कोर 131 रन है, हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखेंगे 169 का है, लोएस्ट स्कोर यहां पर 66 रन का है। 9 मैचेस में क्या हुआ है भाई, 8 मैचेस में 150 रन से नीचे का स्कोर बना है और सिर्फ एक मैच में 150 से 170 रन के बीच में स्कोर बना है। वेन्यू पर जो लास्ट मैच खेला गया था ना, 10 जनवरी 2019 को मैच खेला गया था, ऑलमोस्ट 5 साल पहले यहां पर मैच खेले गए थे। तो बहुत पुराने मैचेस है, इन मैचेस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमने आपके लिए जो है ब्रीफ स्कोर कार्ड जो है लिखे हुए हैं। बात करते हैं दोनों ही टीम की हेड टू हेड के रिकॉर्ड की। तो हेड टू हेड के रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे, टोटल जो है 25 T20 मैचेस हुए हैं। 15 बार ब्रिस्बेन हीट की टीम ने विन किया है, 10 बार एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने विन किया हुआ है। इनके बीच में जो लास्ट मैच हुआ था ना, फर्स्ट मैच ही हुआ था एडिलेड स्ट्राइकर और ब्रिस्बेन हीट के बीच में, जिसको ब्रिस्बेन हीट की टीम ने 4 विकेट से जो है मैच विन किया था। यहां पर आप जो है ये देख सकते हैं, उसके पहले स्प्रिंग T20 चैलेंज में यहां पर मैचेस हुए थे, जहां पर आप देख सकते हो कि ब्रिस्बेन हीट की टीम ने जो है रिसेंट में विन किया हुआ है। तो लास्ट के 5 में से अगर आप देखोगे, मात्र एक मैच जो है एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने विन किया है और बाकी सारे मैच जो है वो ब्रिस्बेन हीट W की टीम ने विन किया हुआ है। दोनों ही टीम की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन भी देख लो, ब्रिस्बेन हीट की टीम ने 5 मैचेस खेले हैं टूर्नामेंट में और 5 में से जो है 2 मैचेस विन किए हैं, 3 मैच लॉस किए हैं, पॉइंट्स टेबल में 5th पोजीशन पे है। स्ट्राइकर की अगर हम बात करें, स्ट्राइकर ने टूर्नामेंट में अभी तक 4 मैचेस खेले हैं और जो है इसमें 1 मैच इन्होंने विन किया है और भाई 3 मैचेस लॉस करके पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पोजीशन यानी कि 8वें पोजीशन पे है। दोनों ही टीम की हमने रिसेंट फॉर्म यहां पर डाल रखी है। ब्रिस्बेन हीट तो वैसे बैक टू बैक अपने 3 मैचेस हार के आ रही है। ये पहला वाला मैच था जो कि उन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर से जो है विन किया था, ये वाला मैच जो है ये इन्होंने विन किया था और ये वाला मैच जो है इन्होंने विन किया था। तो 2 मैचेस विन किए थे, उसके बाद जो है 3 मैचेस बैक टू बैक जो है ये टीम लॉस करके आ रही है। स्ट्राइकर की अगर हम बात करें, ये भी टीम अपने बैक टू बैक 2 मैचेस हार के आ रही है। उससे पहले एक ये वाला मैच विन किया था और बाकी ये मैच भी ये टीम जो है पहला मैच हारी थी। प्लेइंग 11 देखते हैं। सबसे पहले ब्रिस्बेन हीट की हम प्लेइंग 11 देखेंगे। गोर्जिया रेडवाइने के साथ में ग्रेस हैरिस आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी। बंडाउन पे जोमिया रोड्रिक्स है, उसके बाद चार्ली नॉट है, लॉरा हैरिस है, जेस जोनासन है, एंडी कर्क है, एस गिंगर है, निकोला हैंकॉक है, शिखा पांडे है और यहाँ पे जी पैरिसन है। तो ये ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स की प्लेइंग 11 है। एडिलेड स्ट्राइकर की अगर मैं बात करूं, कैटी मैक के साथ में लॉरा वर्ड्रॉट आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी। बंडाउन पे थालिया मैगराथ है, उसके बाद एम पीना है, ओरला पेंडरग्रास्ट है, इलिट जॉनसन है, उसके बाद अमांडा वेलिंगटन है, जीमा ब्रेसवी है, मेगन स्कट है, डार्सिया ब्राउन है और ए मुस्वांगी है। तो ये एडिलेड स्ट्राइकर की प्लेइंग 11 है। दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर प्लेयर रोल हमने जो है लिखा हुआ है। प्लेयर के स्टैट्स की हम बात करते हैं। गोर्जिया रेडवाइने रिसेंट फॉर्म यार काफी पुअर है, अगर आप देखोगे उससे पहले 44 रन की इनिंग्स जरूर से है, लास्ट के 5 मैचेस में देखोगे उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है। हेड टू हेड में भी जो अगर आप देखोगे उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, लेकिन ये काफी स्टार प्लेयर है और डेफिनेटली मैं बोलूंगा ये बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए जानी जाती है, तो अपनी टीम में आप जरूर से रखना। ग्रेस हैरिस ने लास्ट मैच में 41 किया, यहाँ पर 75, तो कुछ डिसेंट इनिंग्स खेल रही है। हालांकि हेड टू हेड में रिकॉर्ड काफी पुअर है, 19 मैचेस में 279 रन है, मात्र 14 का जो है इनका एवरेज है। वेन्यू पर 4 मैचेस खेली है जिसमें 54 का एवरेज है, लेकिन ये काफी पुराने स्टैट्स है। जोमिया रोड्रिक्स लास्ट मैच में 5 रन पे फ्लॉप हुई। चार्ली नॉट ने भाई अच्छा किया, अगर आप देखोगे अपने दम पे मैच विन करवा दे रही है। पहला वाला मैच भी इन्होंने जो है एडिलेड के अगेंस्ट में विन करवाया था और मैन ऑफ द मैच रही थी।
ये वाले मैच में भी 55 इन्होंने किया, और बैट बॉल दोनों करती हैं तो एडवांटेज इनके साथ में रहेगा। जेस जोनासन लास्ट मैच में भाई 3 विकेट इन्होंने निकाले, हमारी टीम की कैप्टन थी, यहाँ पर फ्लॉप रही, यहाँ पर फ्लॉप रही, यहाँ पर 25 रन प्लस 1 विकेट, 21 रन प्लस 1 विकेट, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो दे रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एंडी कर्क, ये अपने दिन पे अच्छा करते हुए आपको नजर आएंगी, जैसे कि ये देख सकते हो 2 विकेट यहाँ पर जो है फ्लॉप रही, यहाँ पर फ्लॉप रही, यहाँ पर फ्लॉप रही, तो अब बहुत अच्छी फॉर्म से ये भी नहीं है। इसके अलावा निकोला हैंकॉक, निकोला हैंकॉक थोड़ी सी फॉर्म में वापसी हुई है, अगर आप देखोगे विकेट्स लेके जा रही है तो इनको अपनी टीम में आप रखना। बाकी शिखा पांडे भी जो है अच्छी ऑप्शन है, ये भी विकेट लेके जा रही है। जी पैरिसन ओवरऑल ग्रैंडली की प्लेयर रहेगी। ये लास्ट मैच की जो है ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स की बॉलिंग है, तो इसमें आप बॉलिंग में देख सकते हो किसने कौन से ओवर डाले थे। पावर प्ले में आपको जो है शिखा पांडे, चार्ली नॉट, निकोला हैंकॉक मिलेंगी, और डेथ में अगर मैं बात करूं जेस जोनासन, निकोला हैंकॉक आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए जो है मिलने वाली है। एडिलेड स्ट्राइकर की अगर हम बात करें, कैटी मैक, ये भी बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए जानी जाती है, जैसे कि रेडमाइने खेलती है, और डेफिनेटली आप देखोगे थोड़ा सा बैटर आपको जो है इनका रिकॉर्ड दिखाई देगा, 15 मैचेस हेड टू हेड में खेली है, 27 का एवरेज है, 106 का स्ट्राइक रेट, अपनी टीम में आप रख सकते हो। लॉरा वॉडरॉट यहाँ पर फ्लॉप हो रही है, और हेड टू हेड में डिसेंट से रिकॉर्ड्स है, लेकिन बड़ी प्लेयर है, स्टार प्लेयर है, अपनी टीम में आप रख सकते हो। थालिया मैगराज बैट बॉल दोनों करती है, हालांकि बॉल से बिल्कुल बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है, लेकिन आप देख सकते हो लास्ट मैच 64 रन, यहाँ पर 51 रन, तो बढ़िया फॉर्म से चल रही है, अच्छा करती है, आपको अपनी टीम में जरूर से रखने चाहिए। एम पीना आपको अपने दिन पे जो है बढ़िया करती हुई नजर आएंगी, ग्रैंड लीग की प्लेयर रहेंगी। ओरला पेंडरग्रास ये बढ़िया शानदार प्लेयर है, कुछ बैट भी आपको कर देगी, प्लस बॉलिंग तो अच्छी करती ही है। अमंदा वेलिंगटन काफी अच्छी बॉलर है, अपनी टीम में आपको रखना चाहिए। यहाँ पर मेगल स्कट एक बढ़िया ऑप्शन है, इनको लेके जाइए अपनी टीम में। बाकी मुस्मांगे भी जो है एक डिसेंट पिक निकल के आ रही है, इसको अपनी टीम में आप चाहो तो थोड़ा सा रिस्क लेके रख सकते हो। ये इनकी लास्ट मैच की बॉलिंग है एडिलेड स्ट्राइकर की, इसमें अगर आप देखेंगे थालिया मैगराज ने 2 ओवर डाले थे, जो कि 8वां और 12वां ओवर था। मुस्वांगे, मेगन स्कट और जो है डार्सिया ब्राउन, ये 3 प्लेयर आपको पावर प्ले में मिलेंगी। मुस्वांगे और जो है वेलिंगटन और जो है मेगन स्कट, ये आपको जो है डेथ में बॉलिंग करते हुए जो है मिलने वाली है एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स की तरफ से। आज के मैच की अगर मैं टॉप पिक्स की बात करूं, टॉप पिक्स यानी की प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन सी रहेंगी, चार्ली नॉट, जेस जोनासन, ओला पेंडरग्रास्ट, थालिया मैगराथ, जोमी एरोडिक्स भी अच्छी ऑप्शन है, लॉरा वॉडरॉट, कैटी मैक और ग्रेस हैरिस, ये अच्छी अच्छी पिक्स है, आप अपनी टीम में जो है जरूर से इन प्लेयर्स को रखिएगा, बढ़िया ऑप्शन जो है रहने वाली है। स्मॉल लीग में सीबीसी, चार्ली नॉट, जेस जोनासन, ओला पेंडरग्रास्ट, थालिया मैगराथ, ये आपको बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन मिलती है स्मॉल लीग की टीम के लिए। अगर आप ग्रैंड लीग में जा रहे हैं, जोमिया रोड्रिक्स, लॉरा वॉडरॉट, कैटी मैक और ग्रेस हैरिस, इनको आप ट्राई करिएगा एज ए सीबीसी ग्रैंड लीग की टीम्स में, बढ़िया ऑप्शन ये रहने वाली है ग्रैंड लीग के लिए। और स्पेशली अगर जो है बैट फर्स्ट आती है, देन ही आप जो है इन चारों को ट्राई करिएगा, अगर इनकी बैट फर्स्ट आती है तो ही। ब्रिस्बेन हिट की पूरी स्क्वाड डिटेल है और एडिलेड स्ट्राइकर की पूरी स्क्वाड डिटेल है, तो दोनों ही टीम की हमने यहां पर स्क्वाड डिटेल भी शेयर की हुई है, तो आप दोनों ही टीम की यहां पर स्क्वाड डिटेल भी देख सकते हैं। और मेरे भाई टेलीग्राम का चैनल जरूर से ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिए, काफी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। चलिए अब ड्रीम 11 पे चलेंगे, जहां पर हम अपने 3 मेंबर 4 मेंबर की जो है टीम देखेंगे। ब्रिस्बेन हिट वुमेन्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स, अपनी हम ड्रीम 11 की टीम देखते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से शुरुआत करेंगे, रेडमाइने और जो है आपको एलिट जॉनसन, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलती है, जॉनसन को मत लेके जाइए, रेडमाइने बढ़िया ऑप्शन है, तो इनको अपनी टीम में डायरेक्टली लीजिए। बैट सेक्शन में अगर मैं बात करूं, ग्रेस हैरिस को मैंने लिया है, लॉरा वॉडरॉट को लिया है, कैटी मैक को लिया है, यहाँ पर आपको जोमिया रोड्रिक्स भी एक डिसेंट ऑप्शन मिलती है, आप जरूर से रख सकते हो अपनी टीम में, थोड़ा सा रिस्क जरूर से रहेगा। थालिया मैगराथ को मैंने अपनी टीम में लिया है, जेस जोनासन को लिया है, ओरला पेंडरग्रास को लिया है, चार्ली नॉट को लिया है, साथ ही साथ यहाँ पे एंडी कर्क को भी मैंने अपनी टीम में लिया है। बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेगन स्कट हमारी टीम में डायरेक्टली आएंगी, साथ ही साथ यहाँ पर देखो यार ये शिखा पांडे बढ़िया ऑप्शन मिलती है, मैं अपनी टीम में नहीं ले पा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अमंदा वेलिंगटन को जो है अपनी टीम में लिया हुआ है। जेस जोनासन मेरी यहाँ पर कैप्टन रहेंगी और वाइस कैप्टन यहाँ पर मैंने थालिया मैगराथ को जो है दिया हुआ है। टीम प्रीव्यू आपको दिखा देते हैं गाइज, अगर टीम प्रीव्यू की बात की जाए तो इस टीम में आप देखेंगे 5 प्लेयर मैंने ब्रिस्बेन हीट के लिए हैं और 6 प्लेयर मैंने एडिलेड स्ट्राइकर के लिए हुए हैं। रेडमाइने हमारी टीम में ग्रेस हैरिस है, लॉरा वॉडरॉट है, कैटी मैक है, जेस जोनासन है, थालिया मैगराथ है, एंडी कर्क है, ओरला पेंडरग्रास्ट है, चार्ली नॉट है, मेगन स्कट है, अमंदा वेलिंगटन है।
तो ये हमारी टीम यहाँ पे रहने वाली है, जहां पे हमने जो है जेस जोरासन को कैप्टनसी दी है, थालिया मेघराज को वाइस कैप्टनसी दी है। आप यहाँ पे चाहो तो ओरला पेंडरग्रास्ट के भी साथ में जा सकते हो एज अ वाइस कैप्टन, वो आपके ऊपर जो है डिपेंड करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर से प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करने का फायदा आपको ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो गाइस बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा, ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।